हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं पुनीता अपने यूट्यूब चैनल लीव लाइफ विद पुनीता में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो मॉर्निंग हो गया है और लग गई हूं मैं अपने काम में, जो मतलब मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है, जो बच्चे स्कूल जाते उस समय का ये मॉर्निंग रूटीन आप लोग के साथ आज मैं शेयर करने जा रही हूं। तो अभी मैं उठी हूं, फ्रेश हुई हूं, ब्रश मैंने कर लिया है, मुंह हाथ धुल लिया है, उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। बच्चे उठ चुके हैं, वो लोग फ्रेश होने गए हैं। फ्रेश होने के बाद बच्चे तो अपने आप ही कपड़ा पहन लेते हैं, क्योंकि छवि भी बड़ी हो गई है और रुपेश भी बड़ा हो गया है। तो मैंने चढ़ा दिया है भुजिया टिफ़िन के लिए बच्चों के, और रोटी सेक दूंगी, घी चपोड़ दूंगी उसमें, और यहाँ चाय बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह चाय रोटी ही खा के जाते हैं। कभी कभी चाय रोटी खा लेते हैं, कभी कभी सब्जी रोटी खा लेते हैं, जैसा उनका मूड करता है उस हिसाब से मतलब वो अपना नाश्ता करके जाते हैं। कभी कभी तो वो कुछ भी नहीं खा के जाते हैं। तो आज वो बोल रहे थे कि मम्मी चाय बना दीजिए, मैं चाय और मतलब रोटी खा के जाऊँगा, और बासी रोटी उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बासी रोटी बोल के मतलब रात को बोला था रुपेश कि मतलब मम्मी बासी रोटी मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, मैं सुबह वही खा के जाऊँगा। तो मैंने उसके लिए छोड़ दिया था, तो वही अभी चाय दे दिया है, और वो मतलब देख रहा है कि अभी कितना लेट होगा टिफ़िन तैयार होने में। तो लगभग सब्जी तो है वो मतलब बन गई है, बस थोड़ा सा इसे मतलब मुझे क्रिस्पी करना है, और रोटी मैं सेक लेती हूँ। आपको मैं बता देती हूँ, तारीख है 24 तारीख, दिन है गुरुवार, और टाइम हो रहा है सुबह के 6:10 हो रहे हैं। तो अभी मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ, भुजिया बन गया था और रोटी भी बन गई थी, तो मैंने दोनों टिफ़िन में रख दिया है, भुजिया और रोटी मैं रख देती हूँ घी लगा के। तो छवि तो दो रोटी खाती है, पर रुपेश को तीन रोटी रख देती हूँ, कभी वो खा लेता है, कभी वो छोड़ के भी लाता है, पर रख देती हूँ उसके में कि कभी भूख ज़्यादा लग जाएगी, बड़ा है तो वो खा लेगा, और अगर नहीं लगेगी तो एक वापस लाता है। और अब बच्चे तैयार हो गए हैं, जा रहे हैं, हस्बैंड अभी सोए हुए हैं, वो रात को आए थे 12:30, तो उन्हें मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, वो सो रहे थे। और बच्चे जब जा रहे थे रेडी होके, तो टाइम हो गया था 7:30, क्योंकि 7:30 निकलते हैं, मात्र मतलब 10 का रास्ता है मेरे घर से स्कूल। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और ये देखिए अभी शूज़ पहन लेंगे, फिर रुपेश तो साइकिल से जाता है, पर छवि को उसकी मौसी मतलब छोड़ देगी स्कूल। और अभी मैंने घर का कोई भी काम नहीं किया है, बस बच्चे चले जाएंगे, फिर मैं क्लीनिंग का काम शुरू करूंगी। तो पहले ये कर देती हूँ विदा। आ जाओ जाओ, लेट हो रहा है। उस साइड ना, पूरा खींच उस साइड। जाओ जाओ। और अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो मैं आ जाती हूँ अपने बाकी काम को निपटाने, जैसा कि मैं अपने बेडरूम का जो बेड है वो क्लीन कर दूंगी, साफ़ कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने ब्लैंकेट जो था उसे मैंने मतलब फोल्ड करके एक साइड में रख दिया है, अभी उसे मैं बेड पे ही लगा दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए बिस्तर साफ़ करना है तो उसे साइड में रख दिया है। और अब मैं मच्छरदानी जो है वो निकाल दूंगी। हमारे यहाँ तो इतना ज़्यादा मच्छर है कि आपसे क्या बताएं, मच्छरदानी लगाने के बावजूद भी नहीं बच पाते हैं। अभी मेरा बेड जो है वो सेट हो गया है, तो जाऊंगी किचन में, क्योंकि बच्चे जो है नाश्ता करके गए थे और हस्बैंड रात को आए थे, तो उनकी थाली थी बाकी, तो मैं किचन क्लीन करके सोती ही हूँ, तो हस्बैंड की थाली हमेशा छूट जाती है, बाकी जो मतलब बच्चे नाश्ता करते हैं वो सब, जैसे कि चाय का बर्तन था और जो मैंने बनाया था मतलब सब्जी उसके मतलब उसका कढ़ाई वगैरह था, तो वो सब मैं साफ़ कर लूँगी। और बच्चे जब घर से स्कूल चले जाते हैं तो बहुत सूना सूना लगता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जब चल रही थी बच्चों की, तो वही आदत पड़ गया है 2 से कि बच्चे घर पे हैं और मैं मतलब उनको मतलब देख रही हूँ कि मतलब जैसे कि वो क्लास कर रहे हैं कि नहीं, छवि का मतलब पूरा तैयारी कराना। और अभी अचानक बच्चों का स्कूल जो है ओपन हो गया है, जा रहे हैं, तो घर बिल्कुल सूना हो जाता है। फिर भी थोड़ा ये है कि हमें टाइम मिल जाता है और एक्स्ट्रा काम करने का, वरना बच्चों में ही लगे रह जाओ। उसके बाद मैंने लगाई घर में झाड़ू तो एक बार सुबह जब मैं उठी थी तब 6:00 लगा ही दी थी, पर घर फिर से गंदा हो गया, क्योंकि बच्चे जाते हैं खाते हैं तो छवि थोड़ा मतलब कोई भी चीज़ है वो उसके हाथ से गिर जाता है, तो वही आना जाना, फिर थोड़ा हल्का हल्का डस्ट भी निकल रहा था, आप देख सकते हो। इसलिए मैं दोबारा झाड़ू लगा लेती हूँ कि जो भी हल्का फुल्का होगा वो निकल जाएगा, और पोछा तो लगाना नहीं है, इसकी वजह से ही मैं 2 लगा देती हूँ गुरुवार को झाड़ू।
और हम हाउसवाइफ का क्या है, सुबह से करते करते कब शाम हो जाती है मालूम ही नहीं पड़ता है, लेकिन बोलने वाले तो बोल के निकल जाते हैं कि क्या करती हो, बस सोई रहती हो घर में और कुछ काम नहीं है तुमको, बस खाना बना लेना है और दिन भर सोए रहना है। पर हम हाउसवाइफ ही जानते हैं कि मतलब हम कितना काम, मतलब हमारा मन हो या ना हो करना ही पड़ता है। और इतना सारा काम करने के बाद ब्लॉग जो देखते होंगे, दिल से देखते होंगे, वो समझ जाते होंगे कि हाँ हाउसवाइफ का ज़िंदगी कैसा है। पर इतना सारा काम करने के बाद क्या होता है, लास्ट में यही सुनने को मिलता है कि तुमने अभी तक किया ही क्या है, बस खाना बना लिया है, झाड़ू पोछा कर दिया और दिन भर आराम से बिस्तर पर पड़ी रही होगी, बस यही सुनने को मिलता है। फ्रेंड्स, जब ये सुनने को मिलता है तो बहुत तकलीफ़ होता है कि हाउसवाइफ को, हम औरतों को समझने वाला कोई नहीं है, दिन भर करो फिर भी कोई मतलब बड़ाई कोई वो नहीं। मैंने काफ़ी जगहों पर ये देखा है, पर मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मेरा केयर करते हैं, भगवान की दया से ऐसा नहीं है मेरे साथ कि वो मुझे ना समझे, वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं, मुझे समझते हैं। और वो बोलते भी हैं कि तुम कितना काम करती हो, तुम थोड़ा थोड़ा काम किया करो, थकाओ मत अपने आप को। तो मुझे बहुत मतलब मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ इस बात के लिए कि मतलब मुझे ऐसा इतना केयरिंग हस्बैंड मिला है कि जो मुझे समझ रहा है, मेरी तकलीफ़ को समझ रहा है। तो इसका मैं भगवान को हमेशा शुक्रिया अदा करूँगी। और फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कर दिया करिए। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बिना सपोर्ट के आपके मैं कभी आगे नहीं जा पाऊँगी, तो इसलिए मुझे सपोर्ट किया करिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने वेयर की है आज ये वाली साड़ी, जो एनिवर्सरी वाली साड़ी थी मेरी। और मेरा मंदिर देखिए सूना है, आज पूजा नहीं हो पाया है। अगर रुपेश घर पे होता तो मैं मतलब पूजा उससे करवा देती, पर वो स्कूल चला गया, आएगा 11 बजे। बच्चे भी आते होंगे और मैं चल रही हूँ किचन में, बना लेती हूँ लंच, क्योंकि आज अभी मैं सोच रही हूँ कि आज मैं साग बना लूँ। और कल हस्बैंड का छुट्टी था, बुधवार था, तो वो हरे हरे साग लेके आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसका ही मतलब रेसिपी बनाती हूँ और शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। अगर मैं मतलब इसको छोड़ दूँगी ना तो जैसा कि ये सूख जाएगा फिर उतना टेस्टी नहीं लगेगा साग, तो आज मैंने सोचा कि पहले ये हरे हरे साग का साग बनाते हैं। तो मैंने साग अच्छी तरीके से बीन लिया है, जैसे कि इसमें घास वगैरह भी आ जाती है और भी बहुत सारे चीज़ इसमें, जैसे कि कोई खरपतवार होता है वो आ जाता है, तो उसे अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। और मिट्टी भी रहती है इसमें, तो वास भी कर लिया था और वास करके इसको छोड़ दिया था कि मतलब जो भी इसका मतलब एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाएगा, तो आसानी से कट हो जाएगा। तो अभी देखिए मैंने साग कट कर लिया, आलू मैंने पहले ही कट करके रख दिया था, और तड़के के लिए मैंने लहसुन छील लिया है और प्याज कट कर लिया है। तो अभी मैंने कढ़ाई लगा दिया है गर्म होने के लिए, जब कढ़ाई गर्म हो गई तो मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया, काफ़ी मात्रा में मैं लेती हूँ साग जब बनाती हूँ तो तेल, और सरसों के तेल में ही मैं सारा खाना बनाती हूँ। फिर मैंने उसमें डाल दिया था मेथी दाना, मेथी दाना जब गोल्डन ब्राउन हो गया था तो मैंने इसमें डाल दिया था हरी मिर्च और ढेर सारा लहसुन, क्योंकि लहसुन डाल दीजिए साग में तो साग का टेस्ट कुछ अलग ही आता है। फिर उसके बाद से सारा जो मतलब साग और आलू था वो डाल दिया था, एक बार इसे अच्छे से चला के कवर कर दिया। फिर जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया साग, तो इसमें मैंने डाल दिया नमक हल्दी, और बहुत सारे लोग होते हैं जो हल्दी नहीं डालते हैं, पर मुझे बिना हल्दी की कोई भी रेसिपी अच्छी नहीं लगती है, और साग तो वाइट वाइट दिखता है, बहुत गंदा लगता है मुझे, तो इसलिए मैं इसमें हल्दी डाल देती हूँ, कभी कभी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देती हूँ। और अभी देखिए मैंने उसे अच्छे से मिक्स करके नमक हल्दी को उसे ढक के रख दिया है कि आलू सॉफ्ट हो जाए, और यहाँ मैंने चावल चुन के रख लिया था, तो अभी मैं चावल भी धुल लूँगी और इसे चढ़ा दूँगी, क्योंकि टाइम हो चुका है बच्चों के आने का भी, और हस्बैंड भी ना आएंगे तो तुरंत नहा के उन्हें भी मतलब लंच चाहिए। तो अभी देखिए सुबह की जो भुजिया थी वो मैंने अलग कर दिया है और सिंक में डाल देती हूँ सारा बर्तन, क्योंकि बर्तन भी मैं टाइम टाइम पे वाश करती रहती हूँ, तो बर्तन भी हो ही गया है। और अभी मैंने चढ़ा दिया है चावल, और सब्जी भी देखिए हो गई है लगभग, बस थोड़ा सा मुझे इसे फ्राई कर लेना है, मतलब क्रिस्पी कर लेना है कि थोड़ा हल्का सा गोल्डन कलर आ जाता है ना, तो साग बहुत टेस्टी लगता है, और काफ़ी सारा लहसुन डालने से तो जान आ जाता है साग में। और लग गया है हमारा लंच, दाल चावल साग और सलाद है, सिर्फ प्याज मैंने कट किया है और मिर्ची का अचार है। फिर हस्बैंड को दे देती हूँ मैं लंच, और बच्चों ने तो कर ही लिया था पहले ही, और हस्बैंड भी खा लेते हैं, उन्हें ये वाला साग बहुत अच्छा लगता है मेरे हाथ का। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने हस्बैंड को खाना दे दिया है, और बच्चे देखिए स्कूल से आ गए हैं, बच्चों को मैंने लंच करा दिया है, और अभी वो अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं, कल इनका SST है, तो
तो अभी मैं मतलब बस अभी थोड़े से बर्तन हैं, आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि अभी मतलब सिंक में बर्तन जो है वो हो गया है, थोड़ा नहीं, ये देखिए। तो अभी मैं नहीं धुलूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, उसके बाद मैं बर्तन धुलूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा इन लुक का मतलब बच्चों का चेक कर लूँ कि जो पेपर जो दिए हैं वो सही, फिर उसके बाद थोड़ा लेट लूँगी तो जाऊँगी बर्तन साफ करने। आज मन नहीं कर रहा अभी, वरना डेली सबको लंच कराने के बाद तुरंत धुल देती हूँ बर्तन, पर आज मन नहीं हो रहा है कि मतलब अभी मैं धुलूँ। इन लोग को थोड़ा सा इन लोग का रिविज़न कराऊँगी, फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, फिर सीधे मिलती हूँ आप लोग से। शाम को छत पे आ जाती हूँ और कपड़े उतार लेती हूँ, कपड़े वैसे ज़्यादा नहीं हुए थे तो कपड़े उतार के नीचे जाऊँगी फोल्ड करके, इसे तुरंत के तुरंत अलमारी में लगा दूँगी। और आज का ब्लॉग यहीं तक, कैसा लगा आपको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।